So today's question is, a box contains 5 white balls and 3 blue balls. Two balls are drawn at random. What is the probability that balls are blue? जो selected balls है वो blue है, उसकी probability क्या होगी? तो 5 हमारी है, तो white balls कितनी है हमारी? White balls है हमारी 5 एंड ब्लू बॉल्स है हमारी 3, ठीक है? तो दो बॉल्स ड्रॉन की जाती है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्योंकि उसने बोला है दोनों बॉल्स ब्लू होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल इन फर्स्ट ड्रॉन, ठीक है, अगर पहली बार ड्रॉ की जाती है तो उसमें बहुत ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो ब्लू बॉल कितनी है? 3 एंड टोटल है हमारी 5. अब ध्यान से देखना क्या इसमें आपको क्या फंड लगाना है. सो अगर सेकंड ड्रॉन में बात करें, इन सेकंड ड्रॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल क्या होगी? क्योंकि अब ब्लू बॉल कितनी बची है, क्योंकि फर्स्ट ड्रॉन हो चुका, एक बॉल निकालनी गई, तो ब्लू बॉल बची है हमारी 2 एंड टोटल बॉल बची होगी हमारी 4. तो सेकंड ड्रॉन में हमारी ब्लू बॉल्स की प्रोबेबिलिटी होगी 2/4, जो हो जाएगा हमारा 1/2. फाइन. सो यानी कि हम कह सकते हैं, तो हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है? ऑफ सिलेक्टिंग ब्लू बॉल्स क्या होगी, यानी स्वीट ब्लू बॉल्स क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी, क्योंकि फर्स्ट ड्रॉन में क्या होगी प्रोबेबिलिटी ब्लू बॉल्स की, यानी कि फर्स्ट ड्रॉन में होगी हमारी 3/5 एंड के लिए हम मल्टीप्लाई लगाते हैं, एंड सेकेंड ड्रॉन में हमारी होगी 1/2. यानी कि फर्स्ट ड्रॉन में ब्लू बॉल निकाली गई एंड सेकेंड ड्रॉन में भी ब्लू बॉल निकाली गई, और दोनों की जो प्रोबेबिलिटी होगी उसे आपको मल्टीप्लाई कर देना है, कि दोनों कंडीशन ट्रू है हमारी, दोनों ही हमारी मस्ट है, इसलिए मल्टीप्लाई लगाएंगे. अगर ऑप्शनल होता है, यानी कि ब्लू बॉल आने की और ब्लू बॉल आने की, तो उसमें आप प्लस लगा देते हैं यहाँ, लेकिन दोनों ही कंडीशन हमें ज़रूरी है, कि फर्स्ट ड्रॉन में भी हमारी ब्लू बॉल ड्रॉ की गई है, सेकेंड ड्रॉन में भी हमारी ब्लू बॉल ड्रॉ की गई है. तो इस केस में हम दोनों में ही हम ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे. और यहाँ ध्यान देना है आपको, जब सेकेंड ड्रॉन में हम ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो एक बॉल कम हो जाएगी, क्योंकि एक बॉल निकाल दी गई है, ठीक है? तो ब्लू बॉल्स हो जाएगी हमारी 2 एंड टोटल बॉल हो जाएगी हमारी 5. सो नाउ द प्रोबेबिलिटी इज 3/10, मल्टीप्लाई कर देना, यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई दिस 3/10. Fine, so hope you understood. Thanks for watching. Bye.